नमस्कार दोस्तों, जय जय भारत। आप सभी का एक और नई वीडियो पर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार की त्रिभुज होती है, इसमें से एक दो क्वेश्चन किसी सभी एग्जाम के अंदर आते हैं, तो उसमें आपके जो डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। भाई कौन सी त्रिभुज होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी त्रिभुज होती है। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर त्रिभुज। त्रिभुज जिसमें परिभाषा, तीन बिंदुओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन बिंदु, अगर हमारे पास कोई भी तीन बिंदु है तो उसमें अगर तीन बिंदुओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रि माने तीन और भुज माने जिसके अंदर तीन भुजा हो। तो जैसे हम इसके अंदर तीन बिंदु लेते हैं, एक बिंदु, दो और तीन। इन बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर त्रि माने तीन और भुज माने जिसकी तीन भुजा हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। पॉइंट नंबर एक है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीन भुजा होती है, समान होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। भाई सम माने क्या होती है, बराबर। सम माने क्या होती है, बराबर। बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर हम तो 5 सेंटीमीटर लेंगे दोस्त, जैसे हमने ये एक भुजा खींची है, 5 सेंटीमीटर खींची हमने 5 सेंटीमीटर, तो अगर ये भी हम 5 सेंटीमीटर खींचेंगे और ये भी अगर हम 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जैसे सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, इसके अंदर सभी भुजाएं समान हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा समान न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम माने कोई भी बराबर न हो। विषम माने क्या होता है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो। तो जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं, भाई हमने ये 4 सेंटीमीटर खींची है भुजा, ये हम 3 सेंटीमीटर खींचेंगे और ये हम 5 सेंटीमीटर खींचे लेंगे। तो जैसे सभी भुजाएं क्या है, इसकी अलग बराबर नहीं है, कोई भी अलग अलग है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हमारा पॉइंट नंबर तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजा समान होती है, जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे हम बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ 4 सेंटीमीटर लेके हम इसको बनाते हैं, तो ये भी हम 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं और इससे अलग ये हो जाएगी, तो ये भी हम 4 सेंटीमीटर लेके बनाते हैं, तो ये कुछ भी हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसको हम बना सकते हैं। तो इसमें देखो 4 के बराबर ये इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो डेफिनेशन है हमारी, तीन बिंदुओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन भाग होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।